ऋषि चिंतन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुरेवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा टॉपिक है आत्मचिंतन के क्षण। यदि तुम एक विद्वान बनने की चेष्टा कर रहे हो तो अपने आप को विद्वान की ही भांति रखो, वैसा ही वातावरण एकत्रित करो। निराशा निकाल कर यह उम्मीद रखो कि मूर्ख कालिदास की भांति हम भी महान बनेंगे। निराशा निकाल कर तुम एक एक्टिंग के को पूर्ण करने की चेष्टा करो। तुम अनुभव करो कि मैं विद्वान हूँ। सोचो कि मैं अधिकाधिक विद्वान बन रहा हूँ। मेरी विद्वता की निरंतर अभिवृद्धि हो रही है। तुम्हारे व्यवहार से लोग यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम सचमुच विद्वान हो। तुम्हारा आचरण भी पूर्ण विश्वास युक्त हो। शंका सुबह या निराशा का नाम निशान भी न हो। अपने इस विश्वास पर तुम्हें पूरी दृढ़ता का प्रदर्शन करना उचित है। यह अभिनय करते करते एक दिन तुम स्वयमेव अपने कार्य को पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना है इसके लिए जितनी मानसिक क्रिया होगी, जितनी उसकी प्राप्ति का विचार किया जाएगा, उतनी ही शीघ्रता से वह वस्तु हमारी ओर आकर्षित होगी। प्रत्येक वस्तु पहले मन में उत्पन्न की जाती है, फिर वस्तु जगत में उसकी प्राप्ति होती है। तुम अपने विषय में अयोग्यता की भावना रखते हो, अतः उसी प्रकार की तुम्हारे अतःकरण की सृष्टि होती हो जाती है। तुम्हारे भय की डरपोक कल्पनाएं ही तुम्हें तुम्हारे मन में निराशा के काले बादलों की सृष्टि कर रहे हैं। मन स्थिति के ही अनुसार अन्य व्यक्ति तुमसे द्वेष अथवा प्रेम करते हैं और संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हारे पास आकर्षित होकर ही या मुड़कर दूर भागती हैं। जब तुम निश्चय कर लोगे कि मेरा निराशा से जीवन का कोई संबंध नहीं होगा, मुझे नई उम्मीद से कोई सरोकार नहीं है, मैं जब वस्त्र भूषा पर शरीर पर व्यवहार में अपने कार्य में निराशा या कोई चिन्ह भी न रहने दूंगा, मैं पूर्ण शक्ति और मनोरथ सिद्धि में प्रवृत्त होगा। निराशा पूर्ण वातावरण में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी प्रवृत्ति ही उत्तम पदार्थों और कर देगी। लता और मनोरथ सिद्धि मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे संसार की कोई कठिनाइयां श्रेय के मार्ग विचलित नहीं कर सकती। तब तक याद रखो, तुम्हारे हृदय में एक दिव्य अनुभूति शासन करता शक्ति प्रसन्न हो जाए।